বনে গেল তোমার ব্লগ, আজ থেকে আমি ব্লগ বানাবো। ওয়েলকাম টু আমার নতুন ব্লগ। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। মেয়ে হুম আপকা দোস্ত বিশ্বনাথ। অভি ক্যা হুয়া কি তনু কো অচানক মন কিয়া কি চলো চিকেন খাতে হ্যায় অর বাহার চলতে হ্যায় থোড়া অর ঘুম ফির কে ভি আ জায়েঙ্গে, অর নন ভেজ খানে কা মন কিয়া তো হাম লোগ ওহি জা রহে হ্যায় অর অভি লগভগ 10:30 বাজ রহে হ্যায়, ক্যা পাতা কোই রেস্টুরেন্ট ঢাবা খুলা হোগা কি নাহি, তো চলো চলতে হ্যায়। বনে গেল তোমার ব্লগ, আজ থেকে আমি ব্লগ বানাবো। ওয়েলকাম টু আমার নতুন ব্লগ। ये घर के घर से थोड़ी दूर पे ही है, 78 सेक्टर में, और रेस्टोरेंट जो है ताज के नाम से है। तनु तो आते बस खाने में टूट पड़ी है, तो दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। अक्सर हम रात को निकलते हैं घर से और खाने वगैरह के लिए, तो सोचे चलो अब से कहीं घूमने वामने जाएँ तो बनाते हैं ब्लॉग। तो तनु का ये फैसला था, है ना, कैसा है टेस्ट? जंगेजी खा के मुझे मिर्जा और आकाश की याद आ गई। आकाश भाई खा लो, अक्सर हम लोग ऑफिस से जाते थे टिप टॉप पे खाने के लिए। आई मिस यू। चोको कॉफी है, बटरस्कॉच चॉकलेट। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। वैसे तो मुझे उतना पसंद है नहीं है आइसक्रीम, बट तनु की ख्वाहिश है। एक आदत तो मुझे सबसे बुरी वो लगती है कि ये खाना खाते समय रोटियाँ का जो साइड साइड होता है ना, वो तोड़ के फेंक देती है। वो तो पता नहीं अभी कैसे नान हम लोगों ने जो खाया उसकी रोटी नहीं फेंकी, वरना वो भी फेंक देती। अच्छा? है। और क्या कहते हो, आइसक्रीम का भी ऊपर का जो क्रीम क्रीम है ना वो भी फेंक दो। हम लोग घर आ गए हैं घूम के, अच्छा लगता है नाइट आउट करना और घूमना। और मैं उन सारे ब्लॉगर्स को हैंड्स ऑफ करता हूँ जो डेली ब्लॉग्स बनाते हैं और पब्लिक के बीच बड़े बड़े कैमरा लेके अपने आप से बातें कर लेते हैं। मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखता हूँ, तो पता नहीं वो लोग कैसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अननोइंग है कि हम लोग जब इंडिया में और ऐसे कैमरे से खुद ब खुद बात करते हैं और सारी पब्लिक आपको देख रही होती है। सो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि अब वीकली 4-5 वीडियो डेली लाइफ के ऊपर बनाया जाए, सो जिससे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो चलो इसी नोट्स के संग मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।